ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर से लेके ब्रांड न्यू मॉब तक और तो और एक नया वाला आइटम ट्रायल की। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले माइनक्राफ्ट के आने वाले अपडेट के कुछ ब्रांड न्यू फीचर्स के बारे में और जाने वाले माइनक्राफ्ट के नया वाला स्ट्रक्चर ट्रायल चेंबर के अंदर। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते, लेट्स गो। चलते अपना पहला फीचर के ऊपर जो कि है भाई ट्रायल चेंबर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर ऐड होने वाला है जिसका नाम होगा भाई ट्रायल चेंबर। जैसा कि हम सबको पता है ट्रायल चेंबर के अंदर अपने को देखने को मिलेगा भर भर के कॉपर के ब्लॉक और टफ ब्लॉक। ये वाला यूनिक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा डीप अंडरग्राउंड, मतलब डीप स्लेट लेयर के आसपास अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रायल चेंबर उतना भी रेयर नहीं होने वाला है। अभी मुद्दे की सवाल ये है कि ये वाला जो नया ट्रायल चेंबर है ये है क्या? ये बेसिकली माइनक्राफ्ट के जो पुराने डंजन्स है उनका वर्जन 2.0 है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल के डंजन है। ठीक है ये भी सही है। चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई ट्रायल स्पॉनर। ये वाला स्पॉनर भाई एक नया वाला स्पॉनर होने वाला है। माइनक्राफ्ट के डंजन्स के अंदर जो स्पॉनर मिलता है ये वाला स्पॉनर उससे बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जो नॉर्मल स्पॉनर देखने को मिलता है उसके अंदर अगर हम लोग टॉर्चेस लगा देते तो वो भाई बंद हो जाता है, लेकिन ये नया वाला ट्रायल स्पॉनर को बंद करना पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली कूल डाउन मोड पे जाता है तभी ये बंद होता है, इसको मैनुअली किसी भी तरीके से बंद हम लोग नहीं कर सकते। नॉर्मल जो स्पॉनर होता है उसको हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं एंड भाई सारा झंझट खत्म, लेकिन ट्रायल स्पॉनर को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और क्या हम लोग इसको तोड़ सकते हैं मेरे को नहीं पता भाई, ये मैंने टेस्ट नहीं किया है। शायद से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जितना टाइम इसको तोड़ने में लगेगा ना उतने देर में तो हम लोग बुढ़े भी हो जाएंगे। और तो और ये वाले स्पॉनर को हम लोग TNT के मदद से फोड़ भी नहीं सकते, जबकि नॉर्मल जो स्पॉनर होता है वो TNT से फूट जाता है। और नॉर्मल स्पॉनर की तरह अगर हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये अपने को मिलेगा नहीं, सिल्क टच वाला पिकेक्स होगा तब भी नहीं मिलेगा। ये वाला स्पॉनर थोड़ा सा अलग होने वाला है। नॉर्मल स्पॉनर की तरह ये कंटिन्यूअसली मॉब स्पॉन नहीं करता है, इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब भी कोई प्लेयर ट्रायल स्पॉनर के बाजू में आता है तो ट्रायल स्पॉनर कुछ इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। ट्रायल स्पॉनर बेसिकली कुछ लिमिटेड नंबर के मॉब स्पॉन करता है एंड देन जब हम लोग सारा का सारा मॉब्स को डिफीट कर देते हैं तो ट्रायल स्पॉनर का दरवाजा खुल जाता है एंड अपने को मिलता है लूट। अभी देखो ये जो लूट है ना ये कुछ हद तक रैंडम तरीके से मिलता है, कभी कभी डायमंड मिलता है, कभी कभी एमरल्ड मिलता है और कभी कभी स्ट्रेंथ वाला पोशन भी मिलता है। तो हाँ लूट काफी ज्यादा तगड़ा मिलता है। जब भी हम लोग भाई सारा का सारा मॉब्स को डिफीट कर देते तो ये वाला ट्रायल स्पॉनर भाई कुछ देर तक कूल डाउन मोड पे चला जाता है। कितने देर तक? 30 मिनट तक भाई। इस 30 मिनट तक ये वाला ट्रायल स्पॉनर कोई भी मॉब्स को स्पॉन नहीं करता है। देखो ट्रायल स्पॉनर से जो सबसे महंगा लूट मिलता है वो है ट्रायल की। अभी देखो माइनक्राफ्ट ने चाबी तो दे दिया लेकिन ताला नहीं दिया मेरे दोस्त, इसको लगाएंगे कहां पे? तो फिलहाल भाई ट्रायल की का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है भाई जल्द इसका यूज आने वाला है। यार मेरे को जो लग रहा है ना कि ये जो ट्रायल की है इसके लिए अलग से एक चेस्ट मिलेगा जिसको खोलने के लिए ये ट्रायल की चाहिए होगा, या फिर कोई सीक्रेट रूम जिसको खोलने के लिए ये वाला की चाहिए होगा। कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन मेरे दोस्त जब ये आ जाएगा तब तुम्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा यार। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक गोल रखते 2900 लाइक प्लीज कर दो, और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स गो, फटाफट निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर। देखो ये जो ट्रायल स्पॉनर है ये कितने टाइप के मॉब्स को स्पॉन कर सकता है? देखो टोटल 10 टाइप के मॉब्स के ट्रायल स्पॉनर अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे खतरनाक जो मेरे को लगा वो है भाई बेबी ज़ॉम्बी एंड केव स्पाइडर। अभी देखो सारा का सारा 10 टाइप के स्पॉनर एक ही ट्रायल चेंबर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही देखने को मिलेगा। भाई ट्रायल स्पॉनर की एनिमेशन क्या ही बताए यार, जब हम लोग ट्रायल स्पॉनर के पास में आते हैं कुछ इस तरीके का एनिमेशन होता है एंड देन मॉब स्पॉन होना चालू होता है। जब सारा का सारा मॉब्स मर जाता है तो स्पॉनर के बीच वाला ढक्कन खुल जाता है एंड देन अंदर से लूट निकलता है। लूट मिल जाने के बाद स्पॉनर का लाइट बंद हो जाता है। अभी देखो ट्रायल स्पॉनर की बात हो ही रहा है तो बात करते अपना नया वाला मॉब के बारे में। देखो ट्रायल स्पॉनर एक नया कैटेगरी के मॉब को भी स्पॉन कर पाएगा जिसका नाम होगा ब्रीज। देखो अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ब्रीज जो है वो कुछ हद तक ब्लेज की तरह दिखता है, कह सकते हैं इसको हम लोग ओवर द वर्ल्ड के ब्लेज। ये छोटा सा दिखने वाला मॉब काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये वाला मॉब डैमेज तो बहुत कम देता है लेकिन नॉक बैक बहुत तगड़ा देता है। ब्रीज ये वाला मॉब भाई अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ब्रीज जो होगा वो थोड़ा बहुत रेड स्टोन एक्टिविटी कर पाएगा भाई, जैसे कि ब्रीज भाई आयरन के डोर या फिर ट्रैप डोर को खोल पाएगा, फैंस गेट को खोल पाएगा, बटन को प्रेस
रेस कर पाएगा, लीवर को फ्लिक कर पाएगा, बेल को बजा पाएगा और तो और कैंडल को भी बंद कर पाएगा। तो हाँ, बिल्कुल जलवा है भाई ब्रीज का। और तो और यही पे बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है, ब्रीज के ऊपर एरो काम नहीं करने वाला है। अगर हम लोग ब्रीज को एरो से मारेंगे तो एरो भाई दूर छटक जाएगा। फिलहाल तो अगर हम लोग ब्रीज को मारेंगे तो अपने को कुछ भी लूट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को लगता है आगे भाई लूट भी ऐड होगा। अभी तुम लोग सोचोगे इधर वाटर कहाँ से आया, यही तो जलवा है भाई। ट्रायल चेंबर के अंदर कुछ खतरनाक लेवल के ट्रैप भी देखने को मिलेगा। देखो हम सबको पता है ब्रीज जो मॉब होने वाला है वो भाई रेड स्टोन एक्टिविटी कर पाएगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल चेंबर के अंदर बहुत सारा डिस्पेंसर देखने को मिलेगा। अलग अलग डिस्पेंसर के अंदर अलग अलग ट्रैप होने वाला है, जैसे कि स्लोनेस का लिंगरिंग पोशन या फिर वाटर बकेट। ये सब ट्रैप्स का इस्तेमाल करके ब्रीज कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करेगा जिधर मौत भाई पक्का हो जाएगा बिल्कुल। अभी देखो अगर मर गए तो फिर तो रिस्पॉन का भी सिस्टम देखना पड़ेगा, तो ट्रायल चेंबर के अंदर उसका भी जुगाड़ है भाई। ट्रायल चेंबर के अंदर अलग अलग जगह पे भाई छोटा छोटा सीक्रेट बेस देखने को मिलता है जिसके अंदर बेड होता है और हम लोग आराम से रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। एक रूम तो ऐसा भी होता है भाई जो बिल्कुल ही पानी के अंदर है, पानी के अंदर रिस्पॉन रूम। अभी देखो माइनक्राफ्ट के अंदर स्ट्रक्चर कितना ज्यादा ओपी है वो डिपेंड करता है उसके अंदर कैसा लूट मिलता है उसके ऊपर। इस मामले में भाई ट्रायल चेंबर बहुत ही ज्यादा ओपी है भाई। ट्रायल चेंबर के अंदर कुछ खतरनाक लूट मिलता है। एक पूरा का पूरा ट्रायल चेंबर को लूटने के बाद अपने को कुछ इतना लूट मिला है। चलो जी भैया जल्दी अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर। देखो ट्रायल चेंबर के अंदर एक कॉरिडोर होने वाला है जिसके अंदर अपने को मिलेगा बहुत सारा पॉट। अभी तुम लोग कहोगे पॉट का क्या काम है इधर? देखो पॉट में भी जलवा है भाई, क्योंकि हर एक पॉट के अंदर अपने को मिलेगा लूट। कभी कभी एमरेल और डायमंड भी मिलेगा। यार कुछ भी कहो ये लूट देने का तरीका मेरे को बहुत ज्यादा ओपी लगा। देखो ट्रायल चेंबर के ये वाला कॉरिडोर बेसिकली अलग अलग रूम में लेके जाने वाला है एंड हर एक रूम के अंदर अलग अलग टाइप के स्पॉनर होने वाला है। देखो स्पॉनर के साथ साथ सिचुएशन भी ऐसा क्रिएट किया जाएगा ताकि मर ही जाओ तुम लोग। जैसे कि जिधर भाई स्ट्रे वाला स्पॉनर होगा उधर बहुत सारा पाउडर स्नो होने वाला है ताकि उसके अंदर तुम फंस जाओ और हो जाए बेरागर। और तो और इधर ही खत्म नहीं होता है, जिधर भाई स्पाइडर स्पॉनर होगा उधर एक ब्लॉक गैप वाला पिलर भी होने वाला है। हम सबको पता है स्पाइडर एक ब्लॉक के गैप के थ्रू जा सकता है, इसके अंदर छुप जाएगा स्पाइडर और हो जाएगा। तो हाँ उतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि तीन चार स्पॉनर भाई एक ही जगह पे देखने को मिलेगा और जब अलग अलग टाइप के मॉब एक साथ अटैक करेगा मुश्किल होने वाला है भाई। यार कुछ भी कहो ट्रायल चेंबर अपने आप में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होने वाला है। तो हाँ ये था माइनक्राफ्ट 1.21 के कुछ खतरनाक लेवल के फीचर्स। अगर ऐसे वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।